चावल बनाऊंगी। सर हमारे पास 1.5 किलो चावल है, ये देख रहे हैं, हमने इसको हम ग्राइंड करेंगे। फिलहाल अभी हम इधर रख के बच्चे खा लें, बच्चा खुश हो जाता है आलू खाए तो। ये रेड मिर्च है हमारे पास 2 चम्मच, नमक है 2 चम्मच, दही है हमारे पास आधी कटोरी, अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास तकरीबन है, वो हमारा सारा ही डलेगा इसमें, ठीक है। 1 मिनट तकरीबन लगेगा, फिर हम आपको खाते हैं लहसुन डालना। ये देखें अभी हमने, ये देखें ये डाल देंगे इसके अंदर इस तरीके से, ये डाल दिए हमने, दही डाल देंगे साथ में। ये देखें आलू बड़े बड़े काटिएगा, क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं, बच्चे चावल के चावल बनेंगे। इसी तरह आप प्यार से खाना बनाइए करिएगा, ठीक है। मग, ठीक है, हमने ये 2 मग ले लिया, कोई भी बर्तन आप नाप लें, ठीक है। और इसके साथ हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, इस तरह चावल डाल लें, अल्लाह की शान है, देखिए कितना प्यारा कलर है। प्यारी बहनों खाना इसी तरह आप बनाया करें। कितने जबरदस्त हमारे चावल पक चुके हैं, ठीक है। ये देखें बच्चे जो कहते हैं कि आलू ज्यादा पसंद करते हैं, प्यारे बहनों आप खाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा पकाएंगे तो, इसी तरह आप पकाइएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की नेमत होती है खाने वाली चीज को बहुत प्यार से बनाएं, बहुत प्यार से। ये देखें कितनी मजे के खाने बनते हैं, ये हमारे चावल है, ये चटनी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, आप सब कैसी हो, खैरियत से हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आलू वाले चावल बनाऊंगी, उसको चाहे बिरयानी बोल लें आलू वाले, मगर बहुत मजे के आलू वाले चावल बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं मसाला कि किस तरह हमने मसाला तैयार किया। तकरीबन हमारे पास 1.5 किलो चावल है, ये देखें चावल हमने भिगो लिए हैं, तकरीबन इसको हमने आधा घंटा हो गया कि चावल भिगो हुए हैं, फिर चावल बनाएंगे तो उसका मजा ही और होगा। ये देखें हमारे पास टमाटर है 1/2 किलो, 1 छटांग हरी मिर्च है, इसको हम ग्राइंड करेंगे। फिलहाल अभी हम इधर रखते हैं, आलू है हमने काट लिए हैं, इस तरीके से काटे कि बच्चों को निकाल के बंदा दे दे, चिप्स के तौर पे भी बच्चे खा लें, बच्चा खुश हो जाता है आलू खाए तो, बच्चे की वैसे भी ये फेवरेट चीज है, ठीक है। ये हमारे पास सूखा धनिया है, 1 चम्मच सूखा धनिया हमारे पास है, ये रेड मिर्च है हमारे पास 2 चम्मच, नमक है 2 चम्मच, दही है हमारे पास आधी कटोरी, अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास तकरीबन 2 चम्मच है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास खड़ा मसाला है, लौंग है, आबे खटाई है, दालचीनी है, इनके टुकड़े ही लेने हैं हमने, खुशबू के लिए डालना होता है, ये थोड़ी खाना हमने खाना होता है, ठीक है। ये हमारे पास गरम मसाला है, गरम मसाला हम अपने जायके के मुताबिक डालेंगे, हल्दी इसमें नहीं डालेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह चावल बनाने हैं। ये हमने इसके ऊपर रख दिया, अब हमारे पास 1 पाव घी है, वो हमारा सारा ही डलेगा इसमें, ठीक है। इसको रखना नहीं है, इसको बचाना नहीं है, फिर आप देखिएगा कि आपके चावल कितने मजे के बनते हैं। आपको चावल अच्छे लगे तो हमारी वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, हमें आपका इंतजार होता है, बहुत सारा प्यार होता है आपके साथ। अब ये जैसे ही प्याज ब्राउन होते हैं फिर हम आपके साथ मिलते हैं। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अभी हमने इसके अंदर लहसुन नहीं डाला, लहसुन आपको बताते हैं, बस 1 मिनट तकरीबन लगेगा, फिर हम आपको खाते हैं लहसुन डालना। हम हाथ में लहसुन पकड़ लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। प्यारी बहनों आपने करना है, आलू वाले चावल मेरे बहुत पसंद है, मेरी बहनों को अक्सर मुआयना करते आलू वाले चावल ही मानो सानू खवा दे। ये देखें अभी हमने लहसुन में से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी जितना हमें डाला है, ठीक है। ये देखें इतना से कम होना है, तकरीबन ये भुना गया है, गर्म घी में या ऑयल में डालते हैं हम उसी वक्त ही ये पक जाता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पहले खड़ा गरम मसाला, ये देखें ये डालना है। अब इसको डाल के तकरीबन हम 1 मिनट को बस लाल कर लें, अच्छे तरीके से ये सीधा हमारा लाल हो जाए, फिर हम आपको डाल दें, ये दिखा रहे हैं कि क्या क्या इसमें हमने डालना है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारा प्यार हमारा आपके साथ। प्यारी बहनों ये देखो अब हमारा जीरा भी ब्राउन हो चुका है, हमने आपको दिखाए थे टमाटर हरी मिर्चें वो हमने ग्राइंड कर ली, अब हम वो डालेंगे इसके अंदर इस तरीके से, ये डाल ली हमने। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे, 2 चम्मच नमक डाल दिया हमने, तकरीबन 1.5-2 चम्मच रेड मिर्च है वो डाल दी, धनिया डाल दिया हमने, ये देखें दही डाल देंगे साथ में। अब हमारे पास बचा गरम मसाला, अब हम गरम मसाला भी डाल देंगे, तकरीबन सारी चीजें इकट्ठी डालनी है। अब मैं आपको साथ ही हमने आलू डालने हैं,
आलू बड़े बड़े काटिएगा, क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं, बच्चों को बंदा चिप्स की जगह भी दे सकता है। प्यारी बहनों, जिस तरह का इंसान को होना उसी तरह का गुजारा करना चाहिए। ये नहीं कि ये चीज नहीं है तो हम नहीं पका सकते। अब देखिएगा चावल बनेंगे हमारे बहुत मजे के। तकरीबन 2 मिनट बाद हम आपके साथ फिर मिलते हैं। ये मसाला बना जाएगा। ये देखें प्यारी बहनों किस तरह हमारा मसाला बना है। ये देखो कितना मजे का लग रहा है। जब ये पकेंगे तो बहुत मजे के चावल बनेंगे। इसी तरह आप प्यार से खाना बनाइए करिएगा, ठीक है। ये देखें पानी मैंने आपको उस दिन बताया था कि जितने हमारे चावल होंगे, अगर 2 मग है तो 2 पानी के डालेंगे, अगर 3 है तो 3। हमारे चावल से 2 मग, ठीक है। हमने ये 2 मग ले लिया। कोई भी बर्तन आप ना आप लें, ठीक है। ये देखें इस तरह से हल्दी हमने इसके अंदर बिल्कुल नहीं डाली। आपको बताया, हमने एक एक चीज़ बताई है। इसी तरह नमक हम चेक कर लेंगे, अगर कम ज़्यादा हो वो इंसान डाल सकता है। और इसके साथ हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। तकरीबन हमारे पास 1 पाव टमाटर है। हरी मिर्च हमने मुनासिब लेनी है कि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा हमने मिर्चें डाली हुई हैं। नमक लिया हमने बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी। अब हम इसके अंदर डालेंगे। ये चावलों के साथ बहुत मज़े की लगती है चटनी। इतना सा हम पानी डालेंगे, इसको फिर हम ग्राइंड करेंगे। ये देखें चटनी हमारी बहुत मजे की बन गई है। ये देखें इस तरह हमारी चटनी बन जाएगी। ये हम चावलों के साथ खाएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत टेस्टी है। बहनों इस तरह ही आप बनाइएगा। अब ये देखें हमारे चावलों को जैसे ही ये उबाला आता है फिर हम आपके साथ मिलते हैं, चावल डालते हैं। अभी हम इसको बंद करते हैं। बहनों चावल हमने डाल दिए, लाइट चली गई थी इसलिए आपको दिखा नहीं सके। ये देखें इस तरह चावल डाल लिए। अल्लाह की शान है, देखें कितना प्यारा कलर है। प्यारी बहनों खाना इसी तरह आप बनाया करें, प्यार से मोहब्बत से, फिर देखें आपका खाना कैसे बनता है। खाना आए तो घर में कोई हांडी ले गए तो कोई, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह ताला हमें खाने को दिया, सबसे बड़ी नेमत है हमारी, ठीक है। अब हम इसको बंद करते हैं, फिर दम लगाते हैं आपको दिखा। चलें ये देखें चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, तकरीबन दम पर लगाने वाले हो गए हैं। इस तरह ये देखें इस तरह बन रहे हैं। आसान हो रही है, मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती। अब हम इसको 10 मिनट दम लगाएंगे, ठीक है। नमाज के बाद मिलते हैं। चलें प्यारी बहनों हम चूल्हा बंद करते हैं। अब चावल देखते हैं कि हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। इस तरह से ढक्कन उतारना अपनी तरफ, उधर को नहीं उतारना कि हाथ पे हमारे भाप ना डाल जाए। ये देखें कितने जबरदस्त हमारे चावल पक चुके हैं, ठीक है। ये देखें बिल्कुल इनमें कनी नहीं है, हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। अब प्लेट में हम डालते हैं। ये देखो प्यारी बहनों आलू है। इस तरह बच्चे जो कहते हैं कि आलू ज्यादा पसंद करते हैं, उसको आलू निकाल के दें, बच्चे खाएंगे शौक से, बहुत मजा आएगा, बहुत टेस्टी बने हैं। आप लोग खाइएगा, फिर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और हमारा बहुत सारा प्यार आपके साथ, अल्लाह की नेमत है। देखें किस तरह बनी है, कितनी जबरदस्त बनी है हमारे चावल, ठीक है। प्यारी बहनों आप खाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा पकाएंगे तो, इसी तरह आप पकाइएगा। देखें खाना बनाया कितने प्यार से, कोई भी चीज बनाए तो उसको प्यार से बनाएं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की नेमत होती है, खाने वाली चीज को बहुत प्यार से बनाएं, बहुत प्यार से। ये देखें कितनी मजे के खाने बनते हैं। ये हमारे चावल है, ये चटनी है, हम दोनों चीजें मिक्स करके खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। मेरी बहनें देख रही होंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद करती हैं मेरे आलू वाले चावल और ये टमाटर की चटनी। आप भी खाएंगे, आपको भी मजा आएगा। चलें ठीक है प्यारी बहनों, कल तक के लिए मुझे इजाजत दें। कल हम नई वीडियो के साथ आपके साथ नया कोई डिश लेके आएंगे। कल तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।